dear students, hope you are healthy and well. Students, today we start your grammar part, chapter 2, व्याकरण. प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा नूं ठीक रूप विच बोलन, लिखन अते समझन लई उस भाषा दे व्याकरण दा ज्ञान होना बहुत जरूरी है. मनुखी सभ्यता दे नाल नाल भाषा अते लिपि दोवां दा विकास होया है. भाषा दे विकास नाल भाषा के रूप नूं नेमबंद करके निजमां विच बनण दी जरूरत नूं महसूस किया गया तां कि भाषा का एक म्यारी रूप हो सके. इसलिए व्याकरण के निजम बनाए गए जो इस प्रकार हन. व्याकरण वह शस्त्र है जिस नाल भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हुंदा है. हेठां दित्तियां उदाहरणां तो समझो. गुरमीत चिट्ठी लिख रही है, मैं अपने पिता नाल घूमण जा रही हाँ. बच्चो, उपर दिते हुए वाक गलत हन. पहले वाक विच गुरमीत एक लड़का है, लड़की नहीं. शुद्ध वाक है गुरमीत चिट्ठी लिख रहा है. दूसरे वाक विच लड़का अपने पिता नाल घूमण जा रहा है, शब्द शुद्ध वाक है मैं अपने पिता जी नाल घूमण जा रहा हाँ. कोई वाक शुद्ध है जा अशुद्ध है, इसकी जानकारी सानू उस भाषा के व्याकरण तो मिलती है. व्याकरण की परिभाषा. भाषा के शुद्ध रूप में भाषा को शुद्ध रूप में लिखण समझण वास्ते विज्ञानियों वालों जिहड़े निजम बनाए गए हैं उन्हां निजमों के समूह को व्याकरण आख्या जाता है. हर भाषा का आपो अपना व्याकरण हुंदा है. सो स्टूडेंट्स, जो किसी भी भाषा को एक निजमों में बनता है भाव कि उस निजमों अनुसार वह भाषा लिखी जाती है उन्हां निजमों को व्याकरण आखते हैं. इस दे चार भाग होंदे हैं, अक्षर बोध जां वर्ण बोध, शब्द बोध, वाक बोध, अर्थ बोध. हुण असीं इन्हां बारे पढ़ांगे. अक्षर बोध. व्याकरण दे इस भाग विच अक्षरां, लगा मात्रावां, लगाखरां आदि दे निजमां बारे ज्ञान हुंदा है. जिवें अक्षर हन ऊड़ा आड़ा साडी सारी वर्णमाला, कन्ना सियारी ये हन लगा मात्रावां, लाम दुलाम आदि. लगाखर हन बिंदी टिप्पी अदक आदि. शब्द बोध. शब्द बोध शब्द अक्षर लगाखरां ते लगाखरां दी लगा ते लगाखरां दी वरतों नाल बनते हैं. व्याकरण दे इस भाग विच शब्द रचना, शब्द बंड, शब्द रूपांतरण आदि दे निजमां बारे ज्ञान हुंदा है. भाव कि कोई भी शब्द है वह अक्षरां दे जोड़न नाल बनता है. जिवें अ ख बा र अखबार, श ल ग म. इन्हां सारे अक्षरां तों मिलके की बनिया? शलगम. वाक बोध. शब्दां नूं ठीक तरतीब देण लई वाक देण नाल ही वाक बनता है. वाक व्याकरण की सब तो वड्डी इकाई है. वाक बोध भाग राही सानू वाक रचना, वाक वंड, वाक वटांदरा, विश्राम चिन्ना आदि दे निजमां बारे पता लगता है. जिवें असी फुटबाल खेडदे हाँ, मैं पढ़ रहा हाँ. फोर्थ अर्थ बोध. व्याकरण दे इस भाग राही विरोधी शब्दां, बहुअर्थक शब्दां अते समान अर्थक शब्दां दे निजमां बारे जानकारी मिलती है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड योर चैप्टर व्याकरण. हुण तुसीं इस पाठ नूं ध्यान नाल पढ़ना है ते देखना है ते समझना है ते जो इस दे पिछे एक्सरसाइज है उसनूं अपनी कापी ते सॉल्व करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.